हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सबको चैनल। दोस्तों, रेडमी के नोट सीरीज अब चाइना में लॉन्च हो गई है, जिसमें कि उन्होंने रेडमी नोट 9 प्रो को लॉन्च किया है, जो कि सेम रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की तरह है, जिसको शाओमी पहले ही इंडिया में लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा रेडमी नोट 9S को भी लॉन्च किया है, वो भी बिल्कुल रेडमी नोट 9 प्रो इंडिया वर्जन की जैसा ही है। इसके अलावा रेडमी नोट 9 भी लॉन्च किया गया है और ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको रेडमी नोट 9 की फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि ये फोन कब इंडिया में लॉन्च होगा और क्या प्राइस हो सकती है। हालांकि इसके बारे में पहले सभी लिंक्स बाहर आ गई थी, जिसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। Redmi Note 9 हॉटशॉट में 6.53 इंच का फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले मिलता है और इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसके बैक में प्लास्टिक फ्रेम मिलता है और क्वाड कैमरा सेटअप विद फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब इसके कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में स्क्वायर शेप क्वाड कैमरा मिलता है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस दिया गया है। इसके कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं इसके फ्रंट में पंच होल कैमरा मिलता है, जो कि इसके डिस्प्ले में लेफ्ट साइड में मिलता है इस बार, जिसमें 13 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रेडमी नोट 9 में मीडियाटेक हीलियो G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 GHz पर क्लॉक है और इस प्रोसेसर से आप पबजी, फ्री फायर जैसे गेम को आराम से खेल पाएंगे। इसके बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में 5020mAh की बिग बैटरी मिलती है, जिसको आप 18 वॉट फास्ट चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। अब इसके एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इसमें ड्यूएल सिम विद माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, 5G वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग, ब्लूटूथ 5.0, आईआर ब्लास्टर, 3.5mm ऑडियो जैक, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, यूएसबी टाइप सी, एनएफसी और सभी तरीके के सेंसर दिए गए। हालांकि एनएफसी आपको सिर्फ चाइना वेरियंट में मिलेगा, इंडिया में एनएफसी नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके प्राइस की बात की जाए तो इसमें 2 वेरियंट लॉन्च किए गए हैं। 3+64GB वेरियंट को $199 में लॉन्च किया गया है, वहीं 4+128GB वेरियंट की कीमत $249 रखी गई है। तो Xiaomi ने Redmi Note 9 सीरीज को बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस में लॉन्च किया है। वैसे Redmi Note 9 मई मंथ में इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है, तो आप में से कितने लोग हैं जो कि इस स्मार्टफोन को लेने वाले हैं, अगर ये स्मार्टफोन 10,000 से कम प्राइस में लॉन्च होता है तो, या फिर आप Realme Narzo का वेट कर रहे हैं, इसे कमेंट करके जरूर बताना। तो इतना था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।